आज पाकिस्तान एक बहुत ही अफसोसनाक खबर अभी अभी मौसूल हुई है। पाकिस्तान की हर दिल अज़ीज़ मारूफ अदाकारा ज़हीन तायरा साहिबा, जो पिछले दो हफ्ते से अलील थी और खान हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज थी, वो उनके बारे में खबर आई है कि वो इंतकाल कर गई हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और यकीनन उनको बहुत ही अच्छे अंदाज में याद रखा जाएगा, उनकी जो खिदमात फन के हवाले से रही हैं, खुसूसन ड्रामा इंडस्ट्री के लिए। आपको बताते चलें कि बिल्कुल आगाज़ से ही वो पाकिस्तान टेलीविज़न और पाकिस्तान रेडियो से मुंसलिक रहीं। खुदा की बस्ती से उन्होंने बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल की और इसके लिए उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी दिया गया। हमारे कराची ब्यूरो चीफ रफत सईद साहब लाइन पर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रफत साहब। रफत साहब, अभी अभी जो ये खबर आई है ज़हीन तायरा साहिबा के हवाले से, इसकी कुछ डिटेल्स हमें प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि बहुत सारी हम अपडेट्स इसमें कर रहे थे। लोगों ने पहले भी ये अफवाह थी कि शायद उनका इंतकाल पहले हो चुका है, फिर कल हम सुन रहे थे कि उनको रिलीज करके घर भेज दिया गया था और उनकी तबीयत कदरे बेहतर थी। ये अभी जो अचानक खबर आई है, इसके बारे में कुछ तफसीलात हमें बताइए। देखें, ये जो इत्तला पहले भी इस किस्म की आई थी, लेकिन अब तो अभी बहरोस अखबारी से हमारी बात हुई, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि ज़हीन तायरा का इंतकाल हो गया है और वो तकरीबन एक महीने से कराची के निजी अस्पताल में दाखिल थी, आरज़ाए कल्ब मुब्तला थी, खासी सूरत हाल खराब थी, उसके साथ ब्लड प्रेशर है और दीगर साथ चीजें, किडनी ने भी उनके काम करना छोड़ दिया था, डॉक्टरों ने बहुत ही और ये 700 से ज्यादा ड्रामों में उन्होंने अदाकारी के दौर दिखाया और एक पूरी एक वो गुजरी है देखते देखते उनके ड्रामों की सीरीज और बला की पाई की अदाकारा थी वो, और उनको हर सतह पे सराहा गया, कई अवार्ड उन्हें मिले, लिहाजा एक अफसोसनाक। रफत साहब, यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि आज पाकिस्तान में ड्रामा इंडस्ट्री एक्टिंग का एक बाब अपने इख्तिताम को पहुंचा है, एक अहद है जो खत्म हुआ है। और यकीनन जब ऐसा होता है तो हमारे अपने बचपन की पुरानी बहुत सारी यादें आ जाती हैं और इनसे वाबस्ता भी होती हैं। आपका इत्तेफाक हुआ कभी ज़हीन तायरा साहिबा से मुलाकात करने का या उनसे कभी इंटरव्यू करने का? उनका सबसे मशहूर किरदार तो खुदा की बस्ती में था जी, और आर्ट काउंसिल में उनसे जो बरह रात मेरी जो उनसे इस तरह की नहीं थी, लेकिन आर्ट काउंसिल में उनसे मुलाकात जरूर हुई थी और वो हर एक से अपनाइयत से मिलती थी, ऐसा लगता था कि बहुत पुरानी वाकिफ है उनकी, बहुत पहले से उन्हें जानती है, चाहे आप पहली बार ही मुलाकात कर रहे हो, तो उनमें इस कदम की चीज नहीं थी। तो ये याद रखा जाएगा, एक सुनहरा दौर था उनका ड्रामों का, पाकिस्तान टेलीविजन के ड्रामे जिस जमाने में आया करते थे उसमें उनके कई मशहूर ड्रामे, सबसे ज्यादा मुझे तो याद खुदा की बस्ती है उनका ड्रामा। बहुत बहुत शुक्रिया रफत साहब हमारे साथ मौजूद होने का। बहरोज सब्जवारी साहब हमारे साथ मौजूद है, मशहूर अदाकार। अस्सलाम वालेकुम बहरोज साहब, कैसी हैं आप?